आज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, कास्टिंग में जो मोल्ड कैविटी हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, कास्टिंग में जो सैंड मोल्ड है वो किस तरह बनता है, लेक्चर शुरू करते हैं। रोहित जैन जी, तो आज जो है कास्टिंग प्रोसेस में सैंड मोल्ड कैसे बनता है, कल मोल्डिंग का हम लोग कास्टिंग में बात कर रहे थे, वो सैंड मोल्ड का बनाने का स्टेप्स हम लोग यहां पर आपको देखेंगे। ये जो आपको एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर जो लिखे हुए हैं, ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये आपको मोल्ड बनाया गया है, ये मोल्ड आपको बनाया गया है। देखिए स्टेप आपको यहां पर आपको दिया हुआ है, ये मोल्ड बिल्ड बोर्ड आपको रखा हुआ है, ये आपको प्रैक्टिकल का आपको नॉलेज है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है। द ड्रग फ्लैक्स इज प्लेस्ड ऑन द बोर्ड, ये जो बोर्ड है उसमें आपको ये जो ड्रैग फ्लास्क है इसको रखा गया है ना। उसके बाद स्टेप टू में ड्राई फेसिंग सैंड इज स्प्रिंकल्ड ओवर द बोर्ड, ड्राई फेसिंग सैंड को इस बोर्ड के ऊपर में छिड़का गया, ड्राई फेसिंग सैंड को आपको गिराया गया बोर्ड के ऊपर में, और देन ड्रैग हाफ ऑफ द पैटर्न इज लोकेटेड ऑन द मोल्ड बोर्ड, ये जो हाफ ऑफ द ड्रैग फ्लास्क है ये मोल्ड बोर्ड में आपको लोकेट किया गया है ना। ड्राई फेसिंग सैंड विल प्रोवाइड ए नॉन स्टिकिंग लेयर, ये आपको ड्राई फेसिंग सैंड आपको आपको नॉन स्टिकी लेयर आपको प्रोवाइड करेगा है ना। तो ये आपको स्टेप है, आपको ये जो है ना पहला आप द स्टेप, आप फिर से देखिए ये बोर्ड में फ्लास्क को रखा गया, प्रैक्टिकली आपको जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद ड्राई फेसिंग सैंड आपको गिराया गया बोर्ड पे, उसके बाद तीसरे स्टेप में ये पैटर्न को रखा गया, ये पैटर्न को उस पे आपको रखा गया, और उसके बाद चौथे स्टेप में मोल्डिंग सैंड इज पोर्ड टू कवर द पैटर्न, मोल्डिंग सैंड आपको गिराया गया फॉलो बोर्ड में है ना। ये ड्रग फ्लास में आपको मोल्डिंग सैंड आपको गिराया गया, मोल्डिंग सैंड गिराने के बाद सैंड इज टाइटली पैक्ड विद द पिन हैमर्स, ये आपको हैंड रैमर दिखा रहा है, पिन हैमर्स आपको दिखा रहा है, ये आपको टाइटली पैक किया गया, ये आपको हैंड हैमर की मदद से आपको टाइटली पैक किया गया, एंड बट हैमर्स आर यूज, आपको लिए इसके लिए बट हैमर्स आपको यूज किया गया है ना। स्टेप सिक्स में द रैमिंग मस्ट बी प्रॉपर, रैमिंग आपको जो है आपको प्रॉपर होना चाहिए,
ना तो ये सॉफ्ट होना चाहिए ना तो आपको हार्ड होना चाहिए। अगर सॉफ्ट आपको रैमिंग होगा तो वीक मोल्ड आपको आपको आप आपको कमजोर मोल्ड आपको बनाएगा। अगर हार्ड मोल्ड हार्ड रैमिंग करेंगे तो आपको जो गैसेस निकलने वाली है वो आपको नहीं निकलेगा। इसीलिए एक्सपीरियंस्ड जो आपको मोल्डर है वही आपको इस काम को आपको कर सकता है। मोर ओवर द मेकिंग ऑफ द रनर्स एंड गेट विल बी डिफिकल्ट अगर जो है आपको आपको हार्ड रैमिंग करते हैं। स्टेप 7 आफ्टर रैमिंग इज फिनिश्ड। जब आपका रैमिंग आपको फिनिश्ड हो जाता है तो एक्सेस सैंड इज लेवल। एक्सेस सैंड आपको लेवल किया जाता है एंड रिमूव विथ ए स्ट्रेट बार नाउन इज द स्ट्राइक रॉड। स्ट्राइक रॉड से आपको हटाया जाता है ना। देन आठवां स्टेप है, देखिए आठवां स्टेप, ये जो बोर्ड था बोर्ड को मोड बोर्ड विल नाउ बी रिमूव्ड। इसको पलट दिया गया। ये जो फिगर आपको दिखाया गया था ये आपको यहां पर आपको बनाने के बाद आपको ये जो फिगर है आपको पलट दिया गया। आठवें स्टेप में आपको पलट दिया गया और पैटर्न आपका ऊपर में आ गया। उसके बाद वेंट होल्स आर मेड इन द ड्रैग टू फुल द डेप्थ ऑफ द फ्लास्क। वेंट होल इसमें आपको सभी जगह आपको बनाया जाता है जिससे कि रिमूवल ऑफ द गैसेस ड्यूरिंग द पावरिंग एंड द सॉलिडिफिकेशन आपको जरूरी है। वेंट रोड का आपको यूज किया जाता है जिससे कि गैसेस आपको निकल सके ड्यूरिंग द पावरिंग एंड द सॉलिडिफिकेशन। आपको गैसेस आपको निकल सके है ना। नाइन्थ स्टेप में द फिनिश डस्ट फ्लास इज नाउ मेड अपसाइड डाउन एक्सपोजिंग द पैटर्न। नाउ मेड अपसाइड डाउन एक्सपोजिंग द पैटर्न, ये आपको एक्सपोजिंग द पैटर्न आपको किया जाता है। दसवें स्टेप में कोप हाफ ऑफ द पैटर्न इज देन प्लेस्ड ऑन द ड्रैग पैटर्न यूजिंग द लोकेटिंग पिन। ये जो कोप है और नीचे वाला आपको ड्रैग कहलाता है, कोप को आपको रखा गया। देखिए आपको कोप को यहां पर आपको रखा गया है और लोकेटिंग पिन्स को आपको लगाया गया। लोकेटिंग पिन्स को आपको लगाया गया, जो लोकेटिंग पिन है आपको यहां पे लगाया गया। देन द पार्टिंग सैंड इज स्प्रिंकल। पार्टिंग सैंड को फिर से आपको वहां पर आपको स्प्रिंकल किया गया। उसके बाद आपको स्क्रू पिन आपको यहां पे लगाया गया। गेट स्क्रू पिन आपको यहां पर आपको लगाया गया। पैटर्न ए से आपको कुछ दूरी पे आपको स्क्रू पिन आपको लगाया गया। राइजर पिन इज लोकेटेड एट द प्रीवियस प्लेस। राइजर पिन भी आपको यहां पर आपको लगाया गया। राइजर पिन भी आपको लगाया गया, स्क्रू पिन लगाया गया, राइजर पिन लगाया गया। देन फिलिंग रैमिंग एंड वेंटिंग ऑफ द कोप इज डन इन द सेम मैन। उसके बाद आपको सैंड को यहां पर फिल किया गया, रैम किया गया एंड वेंटिंग किया गया। जो कोप है सिमिलर जैसे हम लोगों ने ड्रेग में किया था उस तरह हम लोगों ने किया। उसके बाद ये हमको मिल जाता है। देखिए ये आपको यहां पर आपको ये आपको राइजर है, ये आपको पैटर्न है। स्टेप 13 में द स्क्रू एंड द राइजर आर रिमूव्ड। स्क्रू को हटा लिया गया। स्क्रू यहां पे था, राइजर यहां पे था, उसको हटा लिया गया। एंड ए पावरिंग बेसिन इज मेड एट द टॉप ऑफ द पावर ऑफ द लिक्विड मेटल। और आपको यहां पर पावरिंग बेसिन को बनाया गया। जो आपके टूल्स होते हैं कास्टिंग के टूल्स होते हैं वहां पर आपको पावरिंग बेसिन आपको बनाया गया। 13 में 14 में पैटर्न फ्रॉम द कैप एंड ड्रैग इज रिमूव। उसके बाद चौथे स्टेप में ये पैटर्न जो था पैटर्न को हटा लिया गया। कैप एंड ड्रैग से आपको हटा लिया गया। देन रनर एंड गेट्स आर मेड। उसके बाद ये इसको हटाने के बाद ये जो गेट्स है आपको ये रनर है ये आपको बनाया गया। कटिंग द पार्टिंग सरफेस विथ ए गेट कटर, ये गेट कटर की मदद से
आपको सीट मेटल बैंड टू द डिजायर्ड रेडियस ये आपको बनाएगा, है ना। नंबर 16 में द कोर फॉर मेकिंग ए सेंट्रल होल, ये कोर यहां पे आपको लगाया गया है जो कि सेंट्रल होल बनाने के लिए मोल्ड कैविटी में आपको आपको प्लेस किया गया, जो कि कोर प्रिंट आपको आपको बनाता है, है ना। हेंस द नाउ द मोल्ड इज असेंबल्ड एंड रेडी फॉर द पावरिंग। ये आपको 16 स्टेप मैंने आपको दिखाए, ये 16 स्टेप में आपको मोल्ड जो है आपको रेडी हो गया। ये फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, ये जो 16 स्टेप मैंने आपको दिखाए थे सैंड मोल्ड कैसे बनता है, ये प्रैक्टिकली आप फाउंड्री शॉप में प्रैक्टिकल करने का है, एक्सपेरिमेंट करने का है, कैसे जो है मोल्ड बनता है, ये आपको यहां पर आपको 16 स्टेप्स आपको यहां पर आपको बताए गए हैं, है ना। 16 स्टेप में पहला स्टेप है आपको ड्रैग फ्लास्क इज प्लेस्ड ऑन द मोल्ड बोर्ड, मोल्ड बोर्ड में ड्रैग फ्लास्क को रखा गया, उसके बाद फेसिंग सैंड आपको गिराया गया, उसके बाद पैटर्न आपको यहां पर रखा गया, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आपको यहां पर आपको दिया गया, उसके बाद मोल्डिंग सैंड आपको पावर किया गया, देन द सैंड इज टाइटली पैक्ड इन द ड्रैग, सैंड को टाइटली पैक किया गया आपको ड्रैग में, है ना। उसके बाद रैमिंग किया गया, ये आपको 6 स्टेप आपको यहां पर बताया गया है, और उसके बाद स्ट्राइक रॉड से आपको लेवलिंग किया गया, लेवलिंग करने के बाद आपको जो उसको उसका जो था उसको पलट दिया गया, ये देखिए आपको पलटा हुआ यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, पैटर्न आपका ऊपर आ गया। उसके बाद वेंट होल्स बनाया गया, ये सभी जगह वेंट वायर से वेंट रॉड से आपको वेंट वायर बनाया गया। नाउ द ड्रैग फ्लास्क इज अपसाइड डाउन एक्सपोजिंग द पैटर्न, आप इसको उल्टा किया गया, उसके बाद कोप हाफ ऑफ द पैटर्न इज प्लेस, ये देखिए कोप आपको प्लेस किया गया है यहां पर आपको दिखाया गया, जो लोकेटिंग पिन के मदद से आपको यहां पर आपको प्लेस किया गया है ना। द कोप फ्लास्क इज प्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ द लोकेटिंग पिन, लोकेटिंग पिन आपको करने के बाद ड्राई स्पार्टिंग सैंड आपको फिर से यहां पर आपको गिराया गया, ड्राई पार्टिंग सैंड आपको यहां पर आपको गिराया गया। स्टेप 11 स्क्रू पिन आपको यहां पर रखा गया, स्क्रू पासेज राइजर पिन आपको रखा गया, स्क्रू पिन और राइजर पिन आपको यहां पे रखा गया, देन फिलिंग रेमिंग एंड वेंटिंग ऑफ द कोप इज डन इन द सेम मैनर, आपको फिलिंग रेमिंग एंड वेंटिंग ऑफ द कोप इज डन इन द सेम मैनर आपको दिया गया, है ना। ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया। उसके बाद स्क्रू एंड राइजर को हटाया गया, पावरिंग बेसिन से आपको हटाया गया, देन द पावरिंग बेसिन इज मेड एट द टॉप, आपको पावरिंग बेसिन आपको यहां पर आपको बनाया गया, पावरिंग बेसिन आपको यहां पे बनाया गया। ये आपको स्टेप आपको 13 स्टेप आपको दिखाया गया है, पावरिंग बेसिन यहां पर बनाया गया है। 14 स्टेप में पैटर्न फॉर्म द कैप एंड डैग इज रिमूव, पैटर्न को हटा दिया गया। देन नंबर 15 रनर एंड गेट्स आर मेड, रनर और गेट्स यहां पर आपको बनाया जाता है, इसको हटा करके कोप को हटा करके रनर और गेट्स यहां पर आपको बनाया जाता है। ए गेट कटर इज द पीस ऑफ द मेटल टू बी द डिजायर्ड रेडियस, यहां पर आपको गेट आपको यहां पर आपको बनाया जाता है। नंबर 16 में आपको कोर यहां पर आपको प्लेस कर दिया गया फॉर मेकिंग ए सेंट्रल होल, है ना। नाउ द मोल्ड इज असेंबल्ड, आपको मैंने मोल्ड बनाने का कंप्लीट मेथड कंप्लीट आपको ये स्टेप्स मैंने आपको यहां पर आपको दिखा दिया, जितने स्टेप थे वो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है और सारे फिगर में आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, जो कि आपको मोल्ड किस तरह बनना है, आपको सैंड कास्टिंग में आपको पूरी स्टेप्स आपको यहां पर आपको बताता है, ये आपको एक्सपेरिमेंटल किस तरह बनाया जाता है वो आपको यहां पर आपको
आपको यहां पर आपको बताया जाएगा, है ना। तो ये था आपको मोल्ड बनाने का आपको तरीका, है ना। और उसके बाद मैं आपको डिस्कस करता हूं, तब तक मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूं। आज स्टूडेंट भी आपको कम आए हैं, नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट, रोहित जैन जी प्रेजेंट, तुषार सैनी 33 इज प्रेजेंट, आपको जो मैंने ये मोल्ड बनाने का तरीका बताया, ये आपको एक्सपेरिमेंटल है, आपको प्रैक्टिकल है। ये मोल्ड आपको यही स्टेप फॉलो करके आप लेबोरेटरी में आप बना सकते हैं। ये बिल्कुल आपको मोल्ड रेडी करने के लिए आपको रेडी हो गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पैटर्न। पैटर्न क्या है और किस किस मटेरियल का बनता है और कैसे पैटर्न बनाया जाता है, उसके बारे में आपको आपको यहां पर आपको आप आपको डिस्कस करेंगे। जैसे पैटर्न इज ऑलवेज मेड लार्जर देन द फाइनल पार्ट ऑफ द मेड, जो आपको फाइनल पार्ट बनता है, कल आपको जैसे मैंने आपको बताया था, वो कंप्लीट फोटोकॉपी होगा, रिप्लिका होगा जो फाइनल प्रोडक्ट का। जो पैटर्न जो बनता है फाइनल पार्ट से थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, उसमें आपको अलाउंसेस दिया जाता है, उसको पैटर्न अलाउंस बोलते हैं। क्यों दिया जाता है पैटर्न, क्यों थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, ये क्योंकि उसमें जो मोल्ड होगा, मोल्ड में आपको जो मोल्टन मेटल है उसका आपको श्रिंकेज होगा सॉलिडिफिकेशन के बाद, इसीलिए श्रिंकेज अलाउंस दिया जाता है। जो मोल्ड बनेगा उसमें सैंड लगा होगा, इसीलिए उसमें मशीनिंग अलाउंस दिया जाता है, इसीलिए पैटर्न को थोड़ा बड़ा बनाया जाता है। जो फाइनल जो मोल्ड में आपको जो बनता है वो थोड़ा सा आपको बड़ा बनता है, वो अलाउंस उसमें आपको दिया जाता है। श्रिंकेज अलाउंस जो देते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होता है कास्टिंग में एज द मेटल कूल्स टू द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में आपको कूल करने के बाद उसमें आपको कंट्रैक्शन होता है, उसको इसीलिए आपको श्रिंकेज अलाउंस आप उसमें देते हैं। लिक्विड श्रिंकेज अलाउंस, सॉलिड श्रिंकेज अलाउंस आप उसमें प्रोवाइड करते हैं। लिक्विड श्रिंकेज अलाउंस का मतलब है चेंजेज इन द वॉल्यूम फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट, मोल्टन मेटल सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिडक्शन इन द वॉल्यूम होगा। तो इसीलिए आपको जो है थोड़ा सा आपको मेटल आपको इसमें श्रिंकेज अलाउंस देते हैं। दूसरा रिडक्शन इन द वॉल्यूम कॉज व्हेन मेटल लूजेज इट्स टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में आपको जाएगा, इसीलिए आपको सॉलिड श्रिंकेज उसमें देते हैं। दो तरह का श्रिंकेज अलाउंस होता है, लिक्विड श्रिंकेज एंड द सॉलिड श्रिंकेज, वो जो यहां पर आपको बताया जा रहा है। श्रिंक रूल इज यूज टू कंपनसेट सॉलिड श्रिंकेज डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल कंस्ट्रक्शन रेट, ये आपको मेटल टू मेटल आपको वैरी करेगा, ये आपको कितना अलाउंस दिया जाएगा ये आपको यहां पर देखिए आपको बताया जा रहा है। ये आपको श्रिंक रूल फॉर द सभी मटेरियल्स के लिए अलग अलग है, वो आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। कास्ट आयरन में 1 फीट इन इंच पर फुट श्रिंक रूल एक्चुअली मेजर्स 1.28 इंच, 4 इंच विल बी 4 × 1/4 कंसिडरिंग श्रिंकेज अलाउंस। डिफरेंट डायमेंशन के लिए ये आपको फाउंड्री शॉप में हैंडबुक रहता है, हैंडबुक में कितना श्रिंकेज देना है वो आपको मेंशन रहता है। ये आपको यहाँ पर श्रिंकेज अलाउंस आपको पर इंच पर फीट आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये आपको ग्रे कास्टन के लिए अप टू 2 फीट के लिए आपको दिया हुआ है, ये 2 फीट से
फोर फीट के लिए दिया हुआ है, ये ओवर फोर फीट के लिए आपको इतना श्रिंकेज अलावेंस आपको इसमें आपको दिया हुआ है। कास्ट स्टील में अप टू टू फीट के लिए आपको इतना श्रिंकेज अलावेंस देते हैं, टू फीट से सिक्स फीट के बीच में इतना अलावेंस देते हैं और सिक्स फीट से ऊपर में इतना अलावेंस देते हैं। एल्यूमिनियम में फोर फीट तक इतना अलावेंस देते हैं, फोर फीट से सिक्स फीट में इतना अलावेंस देते हैं और सिक्स फीट से ऊपर इतना अलावेंस देते हैं। मैग्नीशियम में फोर फीट तक इतना अलावेंस देते हैं, ओवर फोर फीट में ये इतना अलावेंस देते हैं। ये आपको हैंडबुक आपको फाउंड्री शॉप में अवेलेबल रहता है, सभी मटेरियल का, जिस मटेरियल का आपको देना है ये आपको श्रिंकेज अलावेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है ना। फॉर द डायमेंशन एल श्रिंकेज अलावेंस इज द अल्फा एल थीटा एफ माइनस थीटा जीरो, थीटा एफ इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड थीटा जीरो इज द रूम टेम्परेचर। आपको श्रिंकेज अलावेंस कितना आपको दिया जाए ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल अल्फा पे आपको डिपेंड करेगा, ये आपको यहाँ पर कितना श्रिंकेज अलावेंस आपको दिया जाए यहाँ पर ये आपको बताया गया। दूसरा अलावेंस मशीनिंग अलावेंस देते हैं, मशीनिंग अलावेंस ये एक्स्ट्रा मटेरियल आपको रिमूव करने के लिए एंड टू ऑब्टेन ए फिनिश प्रोडक्ट को गेन करने के लिए रफ सरफेस जो कास्ट प्रोडक्ट का आपको बनता है उसको फिनिश करने के लिए आपको मशीनिंग किया जाता है। मशीनिंग अलावेंस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कास्टिंग, मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिनिशिंग एक्यूरेसी एंड द मशीनिंग मेथड, ये उस पर आपको डिपेंड होता है। और ये आपको मशीनिंग अलावेंस आपको यहां पर आपको बताया गया, ये भी आपको फाउंड्री शॉप में आपको हैंडबुक में आपको दिया हुआ रहता है। ये मेटल कास्ट आयरन के लिए अप टू 12 इंच 0.12, 12 से 20 इंच के लिए 0.20, 20 से 40 इंच के लिए आपको 0.25। कास्ट स्टील में आपको 6 टू 20 के लिए, अप टू 6 के लिए, अप टू 20 टू 40 के लिए ये आपको दिया गया। नॉन फेरस मेटल के लिए ये मशीनिंग अलावेंस अप टू 8 टू 12, 12 टू 40 आपको यहां पर आपको 0.1 इंच आपको ये आपको मशीनिंग अलावेंस पैटर्न में आपको दिया जाता है। उसके बाद तीसरा अलावेंस ड्राफ्ट अलावेंस दिया जाता है। ड्राफ्ट अलावेंस का मतलब है पैटर्न जो उठाते हैं मोल्ड से, अभी देखा ना मोल्ड से हमने पैटर्न को उठाया, आपको स्टेप में बताया गया था कि पैटर्न को उठाया गया, पैटर्न को उठाने के लिए आपको स्लाइटली टैपर बनाया जाता है वाल को, जिससे कि सेफ रिमूवल ऑफ द पैटर्न हो सके, क्योंकि वो सैंड का मोल्ड है, सैंड का मोल्ड का आपका वाल जो है आप पैटर्न हटाएंगे तो आपको गिर जाएगा, है ना। तो इसको ड्राफ्ट अलावेंस बोलते हैं, टैपर किया जाता है। तो ये आपको टैपर कितना दिया जाता है वो आपको यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। पैटर्न मटेरियल अगर वुड रहा, मेटल रहा एंड द प्लास्टिक रहा, फिर तीनों केसेस में हाइट ऑफ द गिवन सरफेस कितना है ये आपको इंच में आपको दिया गया है। ड्राफ्ट एंगल कितना होगा एक्सटर्नल सरफेस के लिए, ड्राफ्ट एंगल इंटरनल सरफेस के लिए ये आपको कितना होगा, ये आपको ड्राफ्ट अलावेंस आपको यहाँ पर आपको बताया गया। अगर एक इंच के लिए ये आपको एक्सटर्नल सरफेस के लिए इतना होगा, इंटरनल सरफेस के लिए आपको इतना होगा। 1 to 2 के लिए 1.50, 2.50, सिमिलरली वुड के लिए 2 to 4 के लिए 1, 1.50। ये आपको सभी मेटल का ड्राफ्ट अलावेंस आपको जो हैंडबुक है, हैंडबुक में आपको फाउंड्री शॉप में आपको रखा हुआ रहता है, वहां से देख करके सभी मेटल का आपको अलावेंसेस आपको क्लियर कर लेते हैं। ये जो ये आपको पैटर्न आपको दिखा रहा है ना, ये आपको ड्राफ्ट अलावेंस आपको दिखाया जा रहा है कि ये आपको टैपर बनाया जाता है, ये जो है ना टैपर आपको बनाया जाता है। पैटर्न हैविंग द ड्राफ्ट अलावेंस ऑन द वर्टिकल सरफेस, ये टैपर बनाया जाता है जिससे कि आपको पैटर्न आसानी से मोल्ड से आपको हटाया जा सके, है ना। ये आपको मोल्ड से आपको हटाया जा सके, इसीलिए आपको
ये पैटर्न आपको आपको दिखाया जाता है। दूसरा अलाउंस देते हैं श्रिंकेज अलाउंस, श्रिंकेज अलाउंस है, श्रिंक करता है आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन, ये आपको श्रिंक करेगा तो उसको श्रिंकेज अलाउंस आपको बोलते हैं। ये आपको सभी मटेरियल के लिए आपको हैंडबुक में आपको दिया हुआ रहता है। ग्रे कास्ट आयरन का अगर मटेरियल है, कास्ट स्टील अगर का आपका प्रोडक्ट है, एल्युमिनियम का प्रोडक्ट है, मैग्नीशियम का प्रोडक्ट है, तो ये डायमेंशन के लिए श्रिंकेज अलाउंस आपको इतना रहेगा, अप टू 2 फीट 0.125 ये इंच पर फीट आपको श्रिंकेज अलाउंस ये आपको दिया हुआ रहता है। ये आपको श्रिंकेज अलाउंस आपको ये आपको जरूरी है, ये आपको श्रिंकेज अलाउंस आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आपको श्रिंकेज अलाउंस कितना रहेगा वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना, ये आपको है ना, तो ये आपको अलाउंसेस के बारे में आपको यहाँ पर आपको बताता है। तो अलाउंसेस आपका इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको उसी के बारे में टोटल अलाउंस यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। कास्ट आयरन में वुडन पैटर्न में एज्यूमिंग ओनली द अलाउंस कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ द पैटर्न, ऑल डायमेंशन आर इन इंच, आपको अलाउंस कितना कितना आपको दिया गया है वो सारे यहां पर कास्ट आयरन, कास्ट स्टील और नॉन फेरस के लिए ये अलाउंस आपको दिया जाता है। अलाउंस आपको भाईवा में आपको पूछता ही पूछता है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। तो सभी तरह के अलाउंस आपको मैंने आपको आपको आज क्लियर कराया कि पैटर्न में कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं, वो आपको मैंने आज जो है क्लियर कराया है ना। श्रिंकेज अलाउंस, श्रिंकेज अलाउंस आपको दिया जाता है पैटर्न में, ये आपको ड्राफ्ट अलाउंस दिया जाता है, ड्राफ्ट अलाउंस कितना दिया जाता है उसके बारे में मैं आपको क्लियर कराया। दूसरा मशीनिंग अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस कितना दिया जाता है वो आपको यहां पर आपको आपको बताया गया है। मशीनिंग अलाउंस आपको कितना दिया जाता है वो आपको बताया गया है। और ये आपको श्रिंक रूल, श्रिंकेज अलाउंस कितना दिया जाता है वो पैटर्न में वो आपको यहां पर आपको बताया गया। तो ये आपको श्रिंक रूल से ये पैटर्न हमेशा बड़ा बनेगा फाइनल पार्ट टू बी मेड, फाइनल पार्ट जो आपको होगा उससे आपको बड़ा बनेगा पैटर्न, आपको बड़ा बनता है, इसीलिए इसमें आपको पैटर्न अलाउंस दिया जाता है। ये पैटर्न आपको कितने अलाउंस आपको दिए जाते हैं वो यहां पर आज डिस्कस किए गए। तथा सैंड मोल्डिंग में आपको सभी स्टेप्स आपको 17 स्टेप्स आपको यहां पर बताया गया कि ये सैंड मोल्ड कैसे तैयार करेंगे। पहला दिन मैंने जो लेक्चर लिया था आपको याद होगा कि यही मैंने सैंड मोल्ड आपको दिखाया था कि ये आपको सैंड मोल्ड है, फाइनल सैंड मोल्ड है, और ये आपको फाइनल सैंड मोल्ड का कैसे आज बना है वो एक एक स्टेप आज को आप आपको मैंने आपको क्लियर कराया। देखिए यहां पर सारा स्टेप आपको यहां पे आपको दिया हुआ है। स्टेप वन, ये आपको बोर्ड लिया गया, देन ड्रैग फ्लास्क रखा गया, फेसिंग सैंड उस पर गिराया गया, फिर पैटर्न उस पर रखा गया, पैटर्न रखने के बाद मोल्डिंग सैंड गिराया गया, फिर रैमिंग किया गया। रैमिंग जो करते हैं सॉफ्ट पैकिंग भी नहीं होना चाहिए, टाइट पैकिंग भी नहीं होना चाहिए। अगर सॉफ्ट पैकिंग करेंगे तो आपका मोल्ड आपको जो है आपको कमजोर बनेगा, अगर टाइट पैकिंग करेंगे तो आपको गैसेस नहीं निकल पाएगा, इसीलिए एक अच्छा मोल्डर का आपको जरूरत है। ये एक एक स्टेप यहां पर आपको मोल्ड बनाने का सैंड कास्टिंग में आज आपको बताया गया है ना, ये मोल्ड बनाने का आपको सैंड कास्टिंग में आपको यहां पर आपको बताया गया। फिर देखिए यहां पर इसको पलट दिया गया और पलटने के बाद आपको कोप को रखा गया, यहां पर कोप एंड फ्लास्क को आपको रखा गया, ये राइजर पिन को रखा गया, स्क्रू पिन को रखा गया, फिर आपको सैंडिंग मोल्ड आपको डाला गया और ये आपको पावरिंग बेसिन आपको बनाया गया।
और फिर ये आपको कास्टिंग दिया गया है ना, ये आपको मोल्ड इज नाउ असेंबल एंड रेडी फॉर द पावरिंग है ना, ये आपको मोल्ड बताया गया। आप हर एक स्टेप को याद कर लीजिए, इसको लैब में जाकर के उसको प्रैक्टिकली आप इसको कीजिए और वहां पर आप बनाइए, तो आपको स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे कि कैसे जो है सैंड मोल्ड कास्टिंग का आपको मोल्ड जो है आपको बनाया जाता है ना। ये आपको सैंड मोल्ड कास्टिंग का, आपको सैंड मोल्ड बनाने का जो है हर एक स्टेप मैंने आज आपको क्लियर कराया। आपको पीडीएफ फाइल भी कल मैंने भेज दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं, आपको कोई आपको दिक्कत नहीं है। पैटर्न जो बनता है, पैटर्न में लार्जर बनता है फाइनल पार्ट से। आज श्रिंकेस अलावेंस के बारे में डिस्कस किए, दी आर द श्रिंक रूल फॉर द श्रिंकेज अलावेंस। मशीनिंग अलावेंस के बारे में डिस्कस किया, मशीनिंग अलावेंस आपको दिया जाता है, मशीनिंग अलावेंस के बारे में डिस्कस किया। ड्राफ्ट अलावेंस के बारे में डिस्कस किया, ये आपको ड्राफ्ट अलावेंस आपको पैटर्न जो है आपको वर्टिकल वॉल टैपर बनाया जाता है। पैटर्न का जो वर्टिकल वॉल होता है वो टैपर बनाया जाता है, जिससे कि पैटर्न आपको आसानी से मोल्ड से आपको निकाला जा सके। ये मैंने आपको फिगर दिखाया था कि ये जो पैटर्न का जो वॉल है ये आपको वर्टिकल नहीं होता है, आपको टैपर होता है। अगर वर्टिकल वॉल बनाएंगे तो पैटर्न जब बाहर करेंगे तो ये आपको सैंड का गिरने का, वॉल को डैमेज होने का आपको चांस रहता है, इसीलिए वर्टिकल सरफेस आपको नहीं बनाया जाता है। आपको इसीलिए आपको ड्राफ्ट अलावेंस उसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है ना, ड्राफ्ट अलावेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये ड्राफ्ट अलावेंस आपको, ये आपको हैंडबुक में रहता है जो आपको यहां पर आपको बताया गया है। और उसके बाद ये आपको श्रिंकेज अलावेंस बताया जा रहा है, ये आपको श्रिंकेज अलावेंस आपको दिया जाता है, हर एक डायमेंशन पे आपको श्रिंकेज अलावेंस आपको दिया जाता है, उसके बारे में आपको ये बताया गया, ये आपको श्रिंकेज अलावेंस आपको दिया गया है ना। श्रिंकेज अलावेंस के बारे में आपको बताया गया, इसीलिए पैटर्न में ये कितने तरह के अलावेंस होते हैं वो आपको बताया गया, और सैंड कास्टिंग में मोल्ड किस तरह रेडी करते हैं वो आपको यहां पर आज आपको बताया गया।